जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर आप एक व्लॉगिंग कैमरा ढूंढने हो तो आपकी नज़र सोनी के ZV E10 पे जरूर पड़ी होगी। अगर आप इसे खरीद रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसका नया वर्जन सोनी ZV E10 Mark II भी जल्दी मार्केट में आने वाला है और ये आपको शायद अगस्त में देखने को मिल जाए। अब इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, ZV E10 के दामों में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है और दूसरा Mark II है, इसके फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं। तो जो Mark II है उसमें आपको पहले वाले की तुलना में 4K अप टू 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है और 4.2.2 10-bit कलर्स का सपोर्ट आपको मिलता है, जिससे अगर आप वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग करते हैं या पोस्ट में ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ZV E10 में जहां 24 मेगापिक्सल का सेंसर था, यहां 26 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें 3 इंच की LCD टच स्क्रीन दी गई है और इसमें वर्टिकल वीडियोस का भी सपोर्ट है। वहीं 759 पॉइंट का फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस देखने को मिलता है, जिसमें रियल टाइम आई ऑटो फोकस और ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है। और इस बार इसमें बड़ी बैटरी दी गई है जो कि NP-FZ100 देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं और कुछ कमियां भी हैं, लेकिन उनके बारे में बात करना तभी ठीक रहेगा जब इसकी इंडियन प्राइजिंग हमें पता चल जाए। अभी जो इसकी प्राइजिंग आई है डॉलर्स में, इसकी बॉडी की लगभग $1000। वहीं जो इसका दूसरा लेंस वाला वर्जन है जिसमें किट लेंस 1650 दिया गया है, उसे भी इस बार अपडेट करके Mark II वर्जन में दिया गया है। अब देखना यही है कि ये भारतीय रुपयों में किस दाम में आपको मिलता है और इसके आने से पुराने वाले ZV E10 के दामों में क्या कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो इसकी कीमतें होंगी वो डिसाइड करेगी कि एक यूजर इसको लेगा या फिर सोनी के A6700 पर जाएगा, जहां आपको इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर व्लॉगिंग के लिए DJI का पॉकेट 3 ठीक रहेगा, या पहले वाला वर्जन ZV E10 सही रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।